कि अभी केवल बाल पका है छाती का, अभी दिल नहीं पका है। आपका स्टार्डम कब आ जाएगा ये आपको नहीं पता है, ये सरस्वती को पता है। इसलिए अगर कलाकार हैं, अपने आवाज़ पे, अपने मिमिक्री पे, अपने काम पे भरोसा रखिए। आप एक बहन नहीं 1000 बहनों का शादी कराएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे ज़्यादा कोई नहीं कमाएगा। हमने बिहार में जिसको भी पैसा डाला कभी उससे ये नहीं पूछा कि आप यादव हैं कि सिंह हैं कि पंडित जी हैं कि राजपूत क्या हैं, लेकिन दुनिया ने मेरे फोटो डाल के सोशल मीडिया पे खूब मेरी वाट लगाई। हर नहिया सनहिया के लागत नाता, माई से सबके जुड़ता, आगा आगा बघावा रथवा के खींचे, माई के चुनरिया उड़ा। तबीयत खराब हो गया इनका, आपसे अभी जी पता चला कि आप एक कलाकार हैं। बहन की शादी करने इसके लिए आपने शादी नहीं किया? पहले रुक जाइए, आपने बहन का शादी करने आपने शादी नहीं किया, शायद इस इमोशन का ना बिजनेस तो बहुत हो सकता है, बट इसकी फीलिंग समझने पे पता चलेगा कि दर्द बोलिए। एक सेकंड जैसे यहाँ खड़ा हो जाते हैं, मेरा बचपन से हार्दिक इच्छा था, मैं 20 साल पटना के सड़कों पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया, मेरी जवानी बर्बाद हो गई कि मैं अपने रिक्शे में कभी ना कभी कोई नेता या अभिनेता बैठाऊँ, हालांकि मैं इन्हें कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। ये मेरे साथ ये एक सेल्फी ले लेंगे, ये मेरा सौभाग्य होगा बस, और कुछ नहीं चाहिए। और रिक्शा पे नहीं घुमाइएगा भैया? नहीं नहीं, इनको मैं कष्ट नहीं देना चाहता हूँ, बस बस घूमेंगे भैया। ना 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 बस नहीं नहीं नहीं, मैं इन्हें कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। पूरी के पहले ऐसे कलाकार हैं जो आपकी मदद के लिए आए हैं, और सच बात यही है कि हमको नहीं आता है ना, सब सबके सुख में दुख में, गरीब हो या अमीर हो फर्क नहीं, नहीं मोबाइल लाइए ना, पता चल जाता है कि उसको मदद करना है तो ये यार इधर लाइए। भोजपुरी के कैसे कलाकार हैं जो सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं, और यही कारण है कि इन्होंने कलाकार की पीड़ा समझी और कलाकार की मदद के लिए कलाकार सामने आया है, इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा राकेश जी को। और राकेश जी कैसे पता चला आपको इनके बारे में? इस जगह पे रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, यहाँ पे बीमारी मजाक है, गरीबी मजाक है, आपके जीवन में जितने दुख आएंगे वो सब मजाक है। आपको मदद किया गया तो पब्लिक सिटी है, मदद नहीं करेंगे तो आप बुरे हैं, कर रहे हैं तो ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो इनको करने नहीं आता है। इतनी परिस्थिति में, ऐसे मानसिकता में जी रहे लोगों के बीच में आपको सरवाइव करना है। अब मेरी बात समझे जो आप बोले, 10 साल बिताए हैं ना आप, हमने बचपन से जवानी खपा दिया भोजपुरी संगीत में, हमने बिहार में जिसको भी पैसा डाला कभी उससे ये नहीं पूछा कि आप यादव हैं कि सिंह हैं कि पंडित जी हैं कि राजपूत क्या हैं, लेकिन दुनिया ने मेरे फोटो डाल के सोशल मीडिया पे खूब मेरी वाट लगाई। लेकिन मैं आपको अभी फिर बोल रहा हूँ कि अभी केवल बाल पका है छाती का, अभी दिल नहीं पका है। आपका स्टार्डम कब आ जाएगा ये आपको नहीं पता है, ये सरस्वती को पता है। इसलिए अगर कलाकार हैं, अपने आवाज़ पे, अपने मिमिक्री पे, अपने काम पे भरोसा रखिए। आप एक बहन नहीं 1000 बहनों का शादी कराएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे ज़्यादा कोई नहीं कमाएगा। मेरे साथ क्या होगा, हम वो क्योंकि हम फ्रॉडगिरी वाला वादा किए नहीं है जीवन में, और वो हम करेंगे भी नहीं, ये सबको पता है कि थोड़ा डिफिकल्ट बोलते हैं बट क्लियर बोलते हैं, इसीलिए जो है काफी चर्चा में भी रहते हैं। हाँ नहीं, चर्चा में इसलिए नहीं रहते, चर्चा में इसलिए रहते कि सच बोलते हैं इसलिए। हाँ लेकिन ये जो हाँ ये करते हैं और आज भी बोल रहे हैं, हम लोग हो सकता है कुछ कर लेंगे, आपको मिल भी जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। ये बहन की शादी में आपको बुलाना चाहते आएंगे? हाँ बहन की शादी में आपको, जिस दिन आप शादी करेंगे ना उस दिन बहन का जितना भी काम करेंगे आप, जैसे एक शादी में बहुत सारा काम होता है, उसमें एक आइटम का काम हम संभालेंगे, बस इतना जान लीजिए। तो सर मैं आपको कैसे बुलाऊंगा? हमको बुलाना थोड़े है, एक मिमिक्री के साथ धन्यवाद कहिए, पता चला किसी के माध्यम से आ गए जी के अंदर, हम लोग के लिए वैसा फिर आ जाएंगे ना, मैं काफी थक चुका हूँ तो मैं नहीं नहीं आप कुछ मत बोलिए, आप खाना खाइए जाके, पृथ्वीराज कपूर की आवाज में बोलना चाहूंगा। बोल दीजिए। सलीम ये देखो, यानी मैं इन्हें तो जानता भी नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने मेरी बहन की शादी में आने का वादा किया, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, समझे? वाह वाह, ताली हो जाए। आज से एक काम और कीजिएगा, नहीं नहीं आज से एक काम और कीजिएगा,
अगर मेरे लिए कुछ करना है तो आजकल बहुत डिंग डोंग पे पूरा भोजपुरी चल रहा है, एक मेरा देवी गीत आया है वो अपने बहन को जरूर सुनाइएगा, बाघवार अथवा खींचा था। और ये पहले ऐसे भोजपुरी कलाकार है जो भैया एक मिनट जिस गाने की और आज के बाद अब आप इंटरव्यू देना बंद कीजिए वरना थक जाइएगा, आपको बहन का शादी करना है। एक गाना है जो कि लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में घर में नहीं बजेगा लेकिन बजेगा, बाघवार अथवा खींचा था, जरूर सुनाइएगा, राकेश मिश्रा ऑफिशियल से रिलीज है, उसका लाइन है उस गाने का लाइन है हर नहिया सनहिया के लागत नाता माई से सबके जुड़ता आगा आगा बघावा रथवा के खींचे माई के चुनरिया उड़ा। भोजपुरी कलाकार राकेश मिश्रा आज दीपक रिश्ता वाले से मिलने आए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं राकेश मिश्रा को देखने के लिए कैसे अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे, राकेश मिश्रा जी को काफी लोग आप प्यार भी मिल रहा है, आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गया राकेश मिश्रा को देखने के लिए, आप साफ तौर पे ये नज़ारा देख सकते हैं। राकेश मिश्रा जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं आज दीपक रिक्शे वाले से मिलने आए थे और उन्हें आर्थिक सहायता भी उन्होंने किया है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये जो इनकम टैक्स का नज़ारा है। यहाँ पे राकेश मिश्रा भोजपुरी के जो कलाकार है वो मिलने आए थे दीपक रिक्शा वाले से और उनका आर्थिक सहायता भी किए हैं, उन्होंने उनके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर किए हैं। जैसा कि आप एक बार पीछे दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया था दीपक रिक्शा वाला को देखने के लिए, जो भीड़ पहले से ही इकट्ठा था उसके बाद में अगर राकेश मिश्रा यहाँ पे आए उसके बाद में ये भीड़ और भी बढ़ गया, भीड़ इस कारण बढ़ गया क्योंकि राकेश मिश्रा जो कि काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं, काफ़ी गाने को लेके अक्सर वो सुर्खियाँ बटोरते रहते हैं और आज दीपक रिक्शा वाले से मिलने वो आर ब्लॉक पे आए थे और दीपक रिक्शा वाले से मिले भी और काफ़ी बातचीत भी उन्होंने उनसे की। आई खबरों के लिए बने रहे स्वस्थ तक न्यूज के साथ, जय हिंद।